हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी हाँ, ये मेरा भाई है। तो अभी हम आए थे विंडशील्ड अपनी रिप्लेस करवाने, क्योंकि रात में एक्चुअली में तूफान आया था बहुत तेज, और वहीं पे मेरा घर के बाहर खड़ी हुई थी एक गाड़ी। और एक्चुअली में रात में इतनी तेज़ तूफान आया कि गमला जो होता है नॉर्मल प्लास्टिक का गमला, वो विंडशील्ड पे गिर गया। इंश्योरेंस में क्यों होगा ये? हेलो गाइस, वेलकम अगेन। बड़ा नुकसान हो गया इस टाइम। ये देखो, गमला गिर गया इसमें रात पे और पूरा चकनाचूर हो चुका है। एक ये डेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ से भी गमला वमला सब फटा पड़ा था, अभी साफ़ किया है। तो ये गो मैकेनिक से बात हुई है, गो मैकेनिक करवाएगा उसको, और 10,000 रुपीज़ का कोटेशन है और 6 घंटे में डिलीवरी मिलेगी। सो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और बात करते हैं गो मैकेनिक से और दिखाता हूँ फुल वीडियो आपको। सो स्टे ट्यून्ड। मूड ख़राब हो गया वैसे दोस्तों। अब हम प्रिपेयर करवाने आए हैं, एक काम चल रहा है गाड़ी पे। देखो, एक शीशा निकाला जाएगा तरीके से चेंज होता है दोस्तों। शोरूम पे जाने की सोच रहे थे। शोरूम में उन्होंने बोला कि आपके 5-6 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि एक्चुअली में मुझे ऑफिस जाना होता है और उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है। तो फिर मैंने देखा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो लोगों ने बताया कि गो मैकेनिक, जब नेट पे सर्च किया तो गो मैकेनिक का नाम आया। गो मैकेनिक देखा, प्राइसेस उनके रीज़नेबल थे। जब प्राइसेस देखे और 6 आवर्स में बोल रहे थे कि कर देंगे, मैंने सोचा कि इनको भी ट्राई करते हैं एक बार, कि
क्योंकि ये इतना कुछ मेजर था नहीं जो मैं इंश्योरेंस में क्लेम करवाऊँ, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम ये एक्चुअली मैं करवा भी लेता लेकिन वही टाइम का जो रेस्ट्रिक्शन है मेरी उसको भी लो वो पास वास होने में बहुत टाइम लगता है और फिर इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सो इसी के लिए फिर ये बो मैकेनिक के पास आए, इन्होंने एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया है। विद इन 3 आवर्स मेरा शीशा रिप्लेस हो चुका था और क्वालिटी AIS अप्रूव्ड है। जो ग्लास लगा है सेंट गोविन का, पहले ही जो इसमें लगा हुआ था टाटा पंच में जो आता है सेंट गोविन का, वही सेंट गोविन का शीशा दोबारा इन्होंने रिप्लेस करके वही सेम टू सेम लगा दिया है। अब अगर आपकी गाड़ी में रेन सेंसर है तो हो सकता है आपको कुछ इशू आए, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल शीशा है जिसपे कोई भी सेंसर वगैरह नहीं है तो आराम से आप वो मैकेनिक को ट्रस्ट कर सकते हो। और मैंने करवाया है, ये सन्नी मेहता की शॉप थी एयरफोर्स स्कूल के सामने, तो गुड़गांव में जो भी हैं वो यहाँ पे, हाँ तो गुड़गांव वाले जो भी हैं वो आके यहाँ पे करवा सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। लेकिन भाई जब खड़ी गाड़ी में कुछ हो जाता है ना तो खून खौल जाता है, क्योंकि चलती में लग गई चलो एक बात है, कुछ हो गया आपने कि कहीं पत्थर वत्थर लग गया या कुछ पहाड़ पे जा रहे हो कुछ गिर गया पत्थर गिर गया समझ में आता है, लेकिन जब खड़ी गाड़ी पे कुछ हो जाता है ना भाई दिमाग ख़राब हो जाता है ब्रो। सुबह सुबह तो बहुत मूड ख़राब था लेकिन अब जाके थोड़ा, क्योंकि अगर आपने अब वो करा है तो गाड़ी ली है तो भाई ये तो खर्चे उसके साथ में आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ काम जो हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रॉपरली सील, और मैंने वाइपर, मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं मेरे वाइपर वगैरह कुछ वो ना हो जाए, लेकिन नहीं वाइपर वगैरह बिल्कुल सही थे और मैंने उनको चला के भी देखा और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो टाटा पंच में अगर, और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 6090 rupees, सो इट वॉज 6090 rupees जो मेरे से चार्ज किया है इन्होंने, काफ़ी रीजनेबल है क्योंकि अगर मैं शोरूम में करवाता तो ये मिनिमम 10,000 तो लगते ही लगते हैं। क्योंकि एक पहले दोस्त था उसकी भी गाड़ी थी टूट गई थी i20, उसने भी रिप्लेस करवाया था तो उसको भी इतने ही पैसे देने पड़े थे एक्चुअली में। सो वही सोच के मैंने ये गो मैकेनिक से लगवाया और काफ़ी जल्दी काम हो गया और हमारा आज पूरा दिन भी ख़राब नहीं हुआ। कई जगहें होती हैं जहाँ पे आपको पूरे दिन बिठा के रखते हैं वो लोग, तो वो वाला सीन भी नहीं था, आराम से काम हुआ है और बढ़िया काम हुआ है एक्चुअली में। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, कुछ वहाँ से गुड़गांव में ना दिन में भी लोग पी के चलाते हैं यार, पूरी फैमिली के साथ सीधा सीधा डिवाइड। हाँ तो भाई आपको अगर शीशा वीशा चेंज करवाना हो टाटा पंच का तो गो मैकेनिक से करवाओ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मेरे को गो मैकेनिक ने पैसे दिए हैं, बट क्योंकि वो तो एक मीडियम है आपका काम, आपकी ये नॉर्मल जो लोकल शॉप्स होंगी वहीं पे होगा, लेकिन जो प्राइस है और जो क्वालिटी है काम की वो काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको अगर इस ऐप से करेंगे, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही करवाया है और पहली बार में ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक करो चैनल को, वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।